नगर निगम परिसर में निर्माणाधीन नगर निगम सदन भवन का बुधवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने कार्यदायी संस्था से भवन की स्थिति की जानकारी के साथ ही निर्माण की गुणवत्ता की स्थिति का भी जायजा लिया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने निर्माण कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्था को नवम्बर तक भवन को पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त राधेश्याम सिंह, मुख्य अभियंता सुरेश चंद सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी और कार्यदायी संस्था के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, बेसमेंट लोअर ग्राउंड फ्लोर दो सर नीचे, फिर उसके एक फ्लोर पर घूमे थे जब टैक्स वाला था, नहीं सुना था नीचे नहीं नहीं सर यही तो हमारे यहाँ सर हॉल है, हॉल लेकिन पूरा एरिया कारपेट ही इतना हो गया है, उसमें क्या किया मैं आप हॉल बता रहे हो चलो उसको देख लेंगे, अभी नीचे भी हमने किया नहीं, आप भारतीय कंप्यूटर इस पर क्या क्या है इसमें सर ओटी ओटी का पार्ट है सर और बैंकिंग सेक्शन का पार्ट है, आई टी एम एस ग्रुप का सर और अकाउंट सेक्शन है सर, कॉलिंग रूम है और टैक्स टैक्स का सर टैक्स का तो सर हमारा पैसे पे सर फिर उसके बाद आपको जहाँ घुमा दीजिए कि आपको यहाँ जमा हमें नहीं चाहिए हमें जो जैसा कि आपके संज्ञान में होगा कि नगर निगम की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें कि कार्यदायी संस्था CNDS है और आज उसी के तहत हम लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ तो वहां पर एक निरीक्षण किया, भ्रमण किया जिसमें कि हमारे मुख्य अभियंता भी मौजूद थे, अपर नगर आयुक्त मौजूद थे और जो
CNDS के प्रोजेक्ट मैनेजर और उनके इंजीनियर्स आदि की पूरी टीम मौजूद थी। वहाँ पर हम लोगों ने जाके देखा कि कौन किस फ्लोर में हमारे जो मेयर साहब और उनका कक्ष होगा, पार्षदों का कक्ष होगा, कहाँ पर हमारा सदन हॉल की बैठक हुआ करेगी, मुख्य नगर आयुक्त साहब का और जो अन्य हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके चैम्बर्स के बारे में, हमको कुछ और भी चीज़ें जैसे कि हमारा ITMS का कंट्रोल रूम बनना है आदि की जगह का जाकर का निरीक्षण किया गया। और ये कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि इसको हर हालत में नवंबर के माह में पूरा करके इसको मतलब इसका लोकार्पण किया जाना है। इसी को लेकर इनको टाइमलाइन निर्धारित करते हुए उचित पूर्ण गुणवत्ता के साथ जो है निर्माण कार्य को समय से पूरा कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।